इसी तरह मसाला चाय बनाने के लिए 8 से 6 काली मिर्च, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग और 1/2 स्पून सौंफ ले ली है, जिसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। जिस बर्तन में आपको यानि कि कप में चाय लेना, उसके मेजर से आपको 2 कप पानी डाल देना है। पानी में हल्का उबाल आ गया है। अब इसमें मैं 1 बड़ा स्पून चाय पत्ती डाल दूंगी, जो आपके मीडियम साइज की घर में स्पून होती है उसके अकॉर्डिंग 1 स्पून चाय पत्ती। अब इसमें मैं 1 बड़ा कप यानि कि जिस मेजर से मैंने दूध लिया था उसी मेजर से इसमें 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। ये चाय 4 से 5 लोगों के लिए बन रही है। जो मसाला मैंने रोस्ट किया था चाय के लिए, उसमें मैं 8 से 10 तुलसी के पत्ते ऐड कर रही हूँ और इसी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसे मैं अच्छे से कूट लूँगी और इसे चाय में ऐड डालूँगी। चाय में मैं अब 1/4 हल्दी ऐड करूँगी। सर्दियों के लिए ये वाली चाय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जो हमने मसाला तैयार किया था कूट कर, उसे हम इसमें अब डाल देंगे। अब इसे 1 से 2 बार इसे उबाल आने देंगे और इसके बाद हमारी चाय रेडी है। हमारी चाय में उबाल आ चुका है। अब मैं इसे छलनी की सहायता से कुछ इस तरीके से फेंटूंगी। ऐसा करने से आपकी चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड करें, क्योंकि मैं हमेशा चाय बन जाने के बाद कप में छानने के बाद शुगर ऐड करती हूँ। आप जैसे यूज करते हैं उस तरीके से आप इसमें शुगर ऐड करें और मेरे तरीके से आप इस तरीके से चाय बनाकर देखें, ज़रूर ट्राई करें।